हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की विषय गणित प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे और इसके साथ ही आज हमारी प्रश्नावली 14.1 पूरी हल हो जाएगी। देखो, सवाल नंबर 3 में लिखा गुणनखंड कीजिए, इसमें कुल मिला के आपके ये 5 सवाल है। मैं इसका पहला सवाल बताने जा रहा हूं। इसमें लिखा है x की घात 2 प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, राइट। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, देखो कल हमने आपको बताया था, इसके पहले सवाल नंबर 1 और 2 सिखा दिया। समूहन विधि से हम गुणन करेंगे, समूहन विधि से समूहन बनाएंगे, पहले समूह बनाएंगे हम। तो कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे समूहन करने पर, यानी जोड़े बनाएंगे इनके समूहन करने पर। ध्यान दीजिए बच्चों, इन दो संख्या का पहले समूह बनेगा, x की घात 2 प्लस xy, फिर इन दो संख्याओं का समूह बनेगा 8x प्लस 8y, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छी तरह समझना। सबसे पहले इस समूहों में से सार व गुणनखंड बाहर निकालेंगे। क्या निकालेगा, देखो यहां तो y है लेकिन यहां पे y नहीं है, इन दोनों में देखो, इस यहां भी x और यहां भी x है, यहां x एक बार है, यहां x दो बार है, तो x को एक बार बाहर निकाल दो। जैसे हमने x को एक बार बाहर निकाल दिया, ये लोग कोष्टक के बाहर निकाल दिया, तो 1x बाहर आ गया, या x की 2 घात थी, 2 में से एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर बच जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब ये x देखो फिर बाहर आ गया तो यहां क्या बच जाएगा, y, ये y लिख दीजिए, प्लस। अब इन दोनों संख्या में देखो, इसमें 8x में प्लस 8y में क्या है, सार व गुणनखंड क्या है या कॉमन फैक्टर क्या है, यहां भी 8 यहां भी 8, तो 8 को बाहर निकाल दो आप। जैसे 8 बाहर आ गया ये, तो अंदर बचेगा x, यहां x बच गया, प्लस, और ये 8 बाहर आ गया तो यहां बच जाएगा y। मिलान कर लो, ये कोष्ठक में समान संख्या आ गई क्या, देखो कोष्ठक में x प्लस y x प्लस y समान संख्या आ गई। अब हमको हमारा अंतिम आंसर प्राप्त हो जाएगा, देखो इस पूरे में x प्लस y समान है, ये कोष्ठक और संख्या समान आ गई, तो इसको लिख दो पहले कोष्ठक में, इस कोष्ठक के बाहर x, इस कोष्ठक के बाहर प्लस का 8, तो इस x प्लस 8 को लिख दीजिए दूसरे कोष्ठक में। तो ये हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y है, इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए x प्लस y और x प्लस 8, ये आ गया। इसी प्रकार देखो बच्चों, हमारा सवाल नंबर 2 इसका, इसमें लिखा 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y और लिखा माइनस का 2, राइट। तो वही समूहन कर लेंगे हम। तो देखो समूहन कैसे करेंगे, ध्यान देना, पहले इन दोनों संख्या का समूहन करेंगे हम, तो लिखेंगे समूहन करने पर, यानी ग्रुप समूह बनाएंगे हम, जोड़े बनाएंगे समूहन करने पर। ये 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2, पहले हम इन दोनों संख्याओं का समूह बनाए, इसमें से बाहर निकालेंगे। देखो 15 को क्या लिखेंगे हम, ध्यान देना आप, हम लिखेंगे 3 × 5 और x गुणा वाई माइनस, 6 को क्या लिखेंगे, 3 × 2 और x, ये लो, राइट, प्लस। अब देखो यहां पे ये 5 को लिखेंगे 5 × 1 गुणा वाई माइनस 2 को लिखेंगे 2 × 1। अभी हमने समूहन कर दिया, अब देखो कॉमन निकालेंगे, यहां 3 यहां 3, तो ये सार में गुणनखंड प्राप्त हो गया 3। अब 5 यहां पे है लेकिन यहां पर नहीं है, तो छोड़ दीजिए आप, x यहां भी है और x यहां भी है, तो देखो ये 3 बाहर आ गया, अभी x बाहर आ जाएगा,
तो 3 गुणा x बाहर आ गया, ये 3 और x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 5 और y, तो ये 5 गुणा y ये बच गया अंदर, माइनस अब देखो 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा यहां पे 2। इसी प्रकार यहां कर लीजिए आप, यहां भी 1 यहां भी 1, 1 को बाहर निकाल दो आप, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 5 गुणा y माइनस बच जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या है, देखो ये 3x मैं लिख सकता हूं इसको, 3 को x से गुणा करने पर, ये 5 को y से गुणा करने पर 5y, ये माइनस का 2 प्लस ये 1, 5 को y से गुणा करने पर 5y, ये माइनस का 2। अब देखिए हमारी संख्या क्या प्राप्त हो गई, ये 5y माइनस 2 यहां भी आ गया, 5y माइनस 2 दोनों कॉस्ट में समान संख्या आ गई, तो 5y माइनस का 2 और कॉस्ट के बाहर वाली संख्या ये 3x प्लस 1, ये लिखेंगे दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1, तो इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 5y माइनस 2 3x प्लस 1, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, राइट। इस प्रकार आप किया करो सवालों को। अब देखो सवाल नंबर 3, इसमें लिखा मेरे पास में ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समूहन करेंगे, समूहन का मतलब दो दो के जोड़े बनेंगे, इसमें दो के बनते हैं या कभी छह संख्या आती है दो के भी बन सकते हैं और तीन के भी बन सकते हैं, वो चेक करना पड़ता है कि सार में गुणनखंड बाहर निकालने के बाद कोष्ठक में समान संख्या आनी चाहिए, बस ये इसकी जांच है। तो हम लिखेंगे समूहन करने पर, समूहन करने पर ये क्या ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस का ए वाई माइनस का बी वाई, राइट। अब देखो यहां ए एक्स प्लस बी एक्स इनमें समान संख्या कौन सी है, यहां पे ए है लेकिन इधर ए नहीं है, यहां पे एक्स है और इधर भी एक्स है, तो दोनों में क्या आ गया, सार व गुणनखंड क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स को बाहर निकाल दिया हमने, इसमें से क्या बाहर निकाल दिया हमने, एक्स बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, ये एक्स तो बाहर आ गया, अंदर बच गया ये प्लस और बच गया बी। तो इस समूह के कर लिए अपने गुणनखंड, ये माइनस का माइनस। अब देखो इन दोनों में देखो ए यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, वाई यहां भी और यहां भी है, तो वाई को बाहर निकाल दो आप, ये वाई बाहर निकाल दिया हमने। अब देखो ये माइनस बाहर आ गया, ये वाई बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा ए, ए बच गया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, ऐसे ध्यान देना, वाई तो बाहर आ गया, ये बच जाएगा बी, यहां बच जाएगा बी। देखो कोष्टक ए प्लस बी यहां भी आ गया और ए प्लस बी इस कोष्टक में भी आ गया, तो इसका गुणनखंड पहला क्या प्राप्त हो गया, ए प्लस बी, ये यहां भी है और यहां भी है, समान संख्या प्राप्त होगी दोनों कोष्टक में, तो ए प्लस बी ये हो गया इसका प्रथम गुणनखंड, इसके बाहर एक्स इसके बाहर माइनस वाई, तो दूसरा हो गया एक्स माइनस वाई, इस एक्स माइनस वाई को लिख दिया दूसरे कोष्टक में, ये हमको दो गुणनखंड प्राप्त हो गए बच्चों, राइट। इस प्रकार हम इनके समूह बनाते जाएंगे, इनके सार में गुणनखंड बाहर निकालते जाएंगे और सवालों को हल करते जाएंगे। अब देखो बच्चों इसका सवाल नंबर 4, इसमें लिखा हमारे पास में 15 PQ प्लस के 15, राइट, प्लस का 9 Q प्लस का 25 P। देखो ये सवाल मैं आपको पहले कैसे करके दिखाते हैं, मुझे मालूम कैसे आएगा, नहीं मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा, इसका समूह मुझे मालूम क्रम से नहीं बन रहा है, तो इसका स्थान परिवर्तन करना सिखाएंगे अभी आपको, देखो कैसे करेंगे, ये लो। अब देखो मालूम हमने इन दो दो के समूह बना दिए, इन दोनों का समूह बन गया, इन दोनों का समूह बन गया, राइट। अब देखो 15 यहां भी है और 15 यहां भी है, तो 15 को बाहर निकाल दो आप, निकाल दिया अपन ने,
जैसे ये अपन देखो ये 15 पी क्यू प्लस का 15, सही बात है, ये 15 बाहर निकाल दिया अपन ने तो इधर बच गया पी क्यू, क्योंकि 15 पी क्यू में हम 15 का भाग देंगे तो क्या बचेगा पी क्यू, ये पी क्यू बच गया प्लस का प्लस, अब 15 में 15 का भाग देंगे तो एक आएगा, भले इन दोनों से क्या बाहर निकाल लिया 15, 15 का भाग इन दोनों में देंगे, 15 का भाग इसमें देंगे तो 15 से 15 कट जाएगा पी क्यू बच गया, 15 में 15 का एक बार गया प्लस का प्लस। अब देखो यहां पे 9 में 25 में ऐसी कौन सी संख्या तो दोनों में भाग जाए, कोई नहीं है एक होती है, तो ये एक बार निकाल दिया, एक का भाग इसमें देंगे 9 क्यू प्लस का प्लस, एक का भाग इसमें देंगे तो 25 पी। बताओ यहां पे ये कोष्ठ में संख्या समान आई क्या? नहीं आई, कोष्ठ संख्या समान नहीं आई, इसका मतलब ये हमारा सवाल गलत हो गया। इसको पुनः करके देखेंगे, हम ऐसे तरीका सिखा रहा हूं मैं, कैसे करेंगे कि हमारे कोष्ठ में देखो ये संख्या a प्लस बी, ए प्लस बी समान आ गई, यहां पे देखो आप 5y-2, 5y-2 समान आ गई, यहां पे देखो आप x+y, x+y समान आ गई, यानी जैसे हम कॉमन बाहर निकालते हैं इस सारे गुणनखंड को बोलते हैं कॉमन, ये कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं तो कोष्ठ में संख्या समान आनी चाहिए, ये इसकी जांच है। तो देखो हम स्थान परिवर्तन करके देखेंगे, देखो कैसे हमारी संख्या क्या है 15 PQ प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। अब देखो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे समूहन बनाने पर, यह समूहन करने पर, समूहन करने पर इसका मतलब है समूह बनाने पर, ये 15 पी क्यू ठीक है। अब ये मत लिखो आप, अब ये लिखो आप, इसके साथ ये लिखो आप, इसकी जगह ये लिख दो आप प्लस का 9 क्यू। अब देखिए 15 बड़ी पहले छोटी बाद में, ये दो संख्या लिख ली 15 पी क्यू ये रही प्लस का 9 क्यू ये रही, इन दोनों से बड़ी पहले लिखी छोटी बाद में लिखी, अब ये दो संख्या बच गई तो इन दोनों से बड़ी पहले छोटी बाद में, ये बड़ी है ये छोटी, तो पहले ये लिखो आप प्लस 25 पी प्लस 15 राइट। अब देखो समूह कर लेंगे हम, ये दो का समूह हो गया, इधर ये दो का समूह हो गया। अब 15 में और 9 में देखो 15 पी क्यू को मैं क्या लिखूंगा, 3×5 पी गुणा क्यू, 9 को क्या लिखूंगा 3×3×क्यू राइट, प्लस फिर 25 को क्या लिखूंगा 5×5×p, 15 को क्या लिखूंगा मैं 5×3। अब भाजे गुणन कर दिया अपने, ऐसे बच्चों सीखो। अब बाहर निकालो देखो, ये 3 ये रहा 3, ये क्यू ये रहा क्यू, तो 3 और क्यू यहां भी है, 3 और क्यू यहां भी है, तो 3×q ये बाहर निकाल दो, निकाल दिया बाहर, अंदर क्या बचेगा 5×p, 5×p ये प्लस का चिन्ह वैसा का वैसा, और क्या बच गया हमारे पास है 3, ये 3 बच गया, समझो ध्यान लगा के। अब यहां भी 5 है यहां भी 5 है, सारो गुणनखंड हो गया, इस 5 को बाहर निकाल दो आप, तो अंदर बचेगा 5×p प्लस यहां बच गया 3। अब गुणा करके लिख दो आप, 3 को क्यू से गुणा करेंगे तो 3q हो गया, कोष्ठक में ये 5 को पीछे गुणा करेंगे 5p प्लस 3, ये 5 का 5, फिर 5 को पीछे गुणा करेंगे 5p प्लस 3 का 3। अब देखो यहां पे कोष्ठक में 5p प्लस 3 आया और यहां भी 5p प्लस 3 आया, तो दोनों ही कोष्ठक में हमारे पास समान संख्या आ गई, इसका हमारा सवाल सही हो गया। तो ये प्रथम गुणनखंड हो गया 5p प्लस 3, ये दो कोष्ठ समान संख्या है, इसके बाद 3q, इसके बाद 5, तो दूसरे कोष्ठ में लिखेंगे 3q प्लस 5, तो हमारे पास दी गई व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त हो गए, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए 5p प्लस 3, 3q प्लस 5, ये इसका हमको आंसर प्राप्त हो गया। अब बच्चों इसके बाद देखेंगे इसका सवाल नंबर 5।
अब देखो बच्चों इसका अंतिम सवाल, सवाल नंबर 5। इसमें लिखा जेड माइनस 7 प्लस का 7 एक्स वाई माइनस का एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें भी समूहन करेंगे बच्चों अपन, ठीक है। अब समूहन कैसे करेंगे जरा ध्यान देना आप। समूहन करने पर ये लिखा हमारे पास, देखो बच्चों जेड माइनस 7 लिखा नहीं है, तुम क्या लिखेंगे अबे ध्यान देना, जेड का जेड ये माइनस 7 नहीं लिखेंगे, 7 के क्या लिखेंगे, ये माइनस 7 लिखेंगे प्लस का 7 एक्स वाई, प्लस का 7 एक्स वाई लिख दिया अपने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे ध्यान देना, जैसे अपन ये लिख दिया माइनस 7 की जगह क्या लिख दिया प्लस का 7 एक्स वाई, अब हम क्या लिखेंगे अभी माइनस 7 लिखेंगे, अभी माइनस का 7 और लास्ट में लिखेंगे अपन एक्स वाई जेड। तो देखो यहां पे क्या है, थोड़ा समूहन में गलती होगी हमारी, ये अपन नहीं लिखेंगे इसका समूह, ऐसे करो आप ध्यान देना कि जैसे यहां पे है ये 7 एक्स वाई, तो ये एक्स वाई पर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड। आप इस संख्या को पहले लिख दीजिए, देखो ये माइनस का 7 ये जेड है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको पहले लिखो इसको बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये हमारा क्या जेड माइनस 7 है, ठीक है, ये जेड माइनस 7 है, ये कॉमन आ जाएगा तो जेड माइनस 7 आ जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो समूह करने पर ये जेड माइनस 7 वैसा का वैसा लिख दो, अब ये लिखो आप माइनस का एक्स वाई जेड ये लिख दो, अंत में लिख दो प्लस का 7 एक्स वाई। अब ये समूह हो गया हमारे पास, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे अपन एक, क्योंकि हम जेड को क्या लिखेंगे, देखो जेड को लिखेंगे एक गुणा जेड, इसको 7 गुणा एक, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो कॉमन एक बार निकाल दो, एक का भाग दोनों में देंगे तो जेड माइनस 7 वापस आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब देखो यहां भी एक्स वाई यहां भी एक्स वाई, तो एक्स वाई को बाहर निकाल दो, ऐसे बाहर आ गया तो ये क्या बच जाएगा यहां पे जेड, ये माइनस और प्लस मिलकर बन गया माइनस, एक्स वाई बाहर आ गया तो क्या बच गया 7। अब देखो कॉस में समान संख्या आ गई आगे हमारे पास, तो ये जेड माइनस का 7 ये दोनों कॉस में आ गया, ये प्रथम गुणनखंड हो गया, दूसरे में एक माइनस एक्स वाई, एक माइनस एक्स वाई, ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया बच्चों। इसके साथ ही आज हमारी प्रश्न 14.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। इसके बाद में आगे के सवाल अगले प्रश्नावली के कल के वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।